सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ रिगार्डिंग इस्लाम एंड हिंदुइज्म में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में क्या क्या ऐसी समानताएं हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं दोनों मजहबों में, तो वो हमें पता चलेगा आज। हालांकि मुझे जो चीज़ पता है, विच इज़ देर इज़ ओनली वन गॉड, हिंदुइज़म में वही चीज़ है एंड इस्लाम में भी वही चीज़ है। अगर हिंदुइज़म की जो एकदम पुरानी से पुरानी जो उनकी किताबें हैं, अगर वहाँ पे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि देर इज़ ओनली वन गॉड, एंड इस्लाम में भी ऑफ कोर्स देर इज़ ओनली वन गॉड, एंड ये एक सबसे बड़ी समानता है, जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सिमिलैरिटी विच आई बिलीव। एंड लेट्स सी के जो यहाँ पे गौरव बताने वाले हैं हमें, तो वो क्या बताएंगे एंड उससे हम एग्री करते हैं या नहीं, वो भी हम बताएंगे आपको, एंड आप भी बताइएगा कि आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं हूँ गौरव, और ये तो आपको भी पता होगा कि इंडिया में सारे धर्मों में से दूसरा सबसे बड़ा माने जाने वाला धर्म यानी रिलीजन इस्लाम है। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे भारत में इन दोनों धर्मों में मानने वाले लोग एक दूसरे से अलग और एक दूसरे से बेहतर होने की कसमें खा रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म और इस्लाम में बहुत सी बातें सिमिलर भी है। जैसे कि अच्छा? हिंदुइज्म में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती आई थी, और वहीं इस्लाम में सबसे पहले आने वाले पैगंबर थे इब्राहिम, जिसे इब्राहिम भी कहा जाता है, और उनकी पत्नी सारा। तो क्या हम एक ही सिक्के को दो अलग अलग पहलुओं से देख रहे हैं? क्या सच में हम अलग हैं या हमें कुछ चीजें एक सी है? क्योंकि जैसे मक्का की हज में मुसलमान जाते हैं, वैसे ही हिंदुइज्म में हम तीर्थ जाते हैं, है ना? पर सिर्फ यही नहीं, इसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों मक्का, जो मुसलमानों के लिए सबसे पाक है, वो हिंदुओं के लिए भी उतना ही पाक और पूजनीय हो सकता है, और शायद है भी। चलिए मिलकर लगाते हैं इसका पता मेरे यानी गौरव के साथ हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हिंदू इस्लाम सिमिलैरिटीज। अब फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिमिलैरिटीज को दर्शाता है, और अगर आपको लगता है कि ये सिमिलैरिटीज हम में है, तो यार दुश्मनी छोड़ो, भाईचारा बढ़ाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सिमिलैरिटीज नहीं है, आप जबरदस्ती दो डिफरेंट धर्मों को चिपकाने की कोशिश करो, तो यार फाइन, दैट्स फाइन, आप उस एंगल से भी देख सकते हो, बट ये वीडियो को हम सिर्फ ज्ञान के लिए देखेंगे, यू नो, दोनों धर्मों की कुछ कुछ बातें जानने के लिए, और इससे अगर कुछ अच्छा निकलता है तो हु केयर्स, दैट्स अ विन-विन सिचुएशन, राइट? हिंदुइज्म और इस्लाम की पहली सिमिलैरिटी की बात करें तो वो है प्रॉफिट्स और भगवान के अवतार। यानी इस्लाम के मुताबिक प्रॉफिट्स अल्लाह के मैसेंजर्स थे, जो इंसान ही थे और इंसानों के बीच समाज और धर्म को बेहतर बनाकर बढ़ावा देने आए थे। ये इंसानों के बीच ही रहकर इंसानों की ही भाषा बोलते थे। और अगर हम हिंदू में देखें तो वेदों में ऋषि मुनि या संत का जिक्र हुआ है। वेदों में इन्हें भगवान का अवतार नहीं कहा जाता, परंतु ऋषियों को अधिकारी पुरुष यानी कि सुपर ह्यूमन पावर वाले इंसान जरूर कहा गया, और इनकी अवतारित होने की थ्योरी को स्वामी भास्करानंद ने इस तरह समझाया है कि भगवान धरती पर बस सिर्फ दो वजहों को पूरा करने के लिए अवतारित होते हैं। पहला तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उन्हें सीख देने के लिए, और दूसरा उन्हें लिबरेट करने के लिए यानी आजाद करने के लिए बुराइयों से। और वो इंसानों को अपने खुद के एग्जाम्पल से इंस्पायर करते थे। यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि वो जन्म से ही सब कुछ जानते हैं, उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंसानों को इंस्पायर करने के लिए वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। वहीं अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम का भी यही मानना है कि 1,24,000 प्रॉफिट्स को धरती पर भेजा गया था, बट हिंदुइज्म में तो ये माना जाता है कि भगवान खुद इंसानों का रूप लेकर यानी री इंकारनेशन से धरती पर धर्म को नई परिभाषा, नया जीवन देने आते हैं, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में अनगिनत अवतारों की बात की गई है, मतलब यहाँ पर श्रीमद् भागवत एक तरह से इस्लाम के लाखों प्रॉफिट्स के व्यू को सपोर्ट करता है। हालांकि इस्लाम में प्रॉफिट्स को अल्लाह का अवतार नहीं माना जाता है, वो इंसान ही होते हैं जो अल्लाह के मैसेंजर्स होते हैं बस। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, पर फ्रेंड्स, अब अगर इन दोनों ही धर्मों की मान्यताओं की बात करें तो हिंदुइज्म में भगवान को आप दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, जिसमें एक है सगुण ब्राह्मण और दूसरे पर है निर्गुण ब्राह्मण। और भगवान को पाने के लिए एक इंसान को पहले सगुण ब्राह्मण यानी अपने अंदर भगवान की एक छवि बनानी होती है, और फिर सगुण ब्राह्मण यानी इस छवि पर अपने मन को एकाग्र करके ध्यान लगाने से निर्गुण ब्राह्मण यानी कि हिंदुइज्म के मुताबिक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और सगुण निर्गुण ब्राह्मण के इन्हीं कॉन्सेप्ट से आइडल वर्शिप का जन्म हुआ है, यानी असल भगवान को पूजने के बजाय उनकी मूरत और उनकी तस्वीर को पूजना, जिससे आप रियल भगवान को हासिल कर सकते हो। हालांकि इस तरीके को पहले सिर्फ ध्यान लगाने के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समय के साथ ये कॉमन प्रैक्टिस बन गया, जिसे हिंदुइज्म का कोर मान लिया गया है।
यही नहीं, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि उन्हीं से सारी दुनिया की हर चीज बनी है, हम इंसान भी। और यही बात आपको कुरान के अर-रुम्ह 30 के मुताबिक जानने मिलेगी, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ही हैज क्रिएटेड ऑल पीपल, यानी इंसानों को अल्लाह ने बनाया। और कुरान में आपको सगुण ब्रह्मन और निर्गुण ब्रह्मन का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा, मतलब सभी को बनाने वाले अल्लाह के बारे में अल अनहाम 103 में ये लिखा हुआ है कि इंसान को बनाने वाला अल्लाह किसी की नजर में नहीं आते लेकिन उनकी निगाह में सब आते हैं, वो सबसे परे हैं और वो हर जर्रे में है, यानी हर जर्रे में रहने वाले अल्लाह इंसानों के अंदर भी है, जिसका मतलब है कि एक सगुण ब्रह्मन इंसानों में भी है। और इसके साथ ही यहाँ उनको सब नजर आता है, ये कहकर अल्लाह ने निर्गुण ब्रह्मन होने की भी बात की है। हालांकि हिंदुइज्म की तरह इस्लाम में अल्लाह की छवि बनाना और किसी तस्वीर और किसी मूरत को पूजना बिल्कुल मना है। और सिर्फ यही नहीं, वेदांता में मेडिटेशन के 3 स्टेजेस है, धारण, ध्यान और समाधि। और वहीं कुरान में भी सच के रियलाइजेशन के 3 स्टेजेस है, ऐनल यकीन, इल्मुल यकीन और हकुल यकीन। अब हिंदुइज्म हो या इस्लाम, दोनों में ही भगवान के साथ एक होने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। हिंदुइज्म में से जप और इस्लाम में से जिक्र कहा जाता है। कुरान के मुताबिक जिक्र 2 तरीके के होते हैं, जहरी जो आप जोर जोर से बोलकर करते हो और खाफी जिसमें आप धीमी आवाज में बोलते हो। लेकिन सूफिज्म में जिक्र का तीसरा तरीका भी होता है, जिसे सुल्तान उल अस्कर कहते हैं। इसमें अल्लाह का नाम जुबान से बोलने की जरूरत नहीं होती, आप दिल में अल्लाह का नाम लेते हो। वहीं हमारे हिंदुइज्म में जप को 3 तरीकों से किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है वाचिका जप, जिसमें आप जोर जोर से भगवान के नाम को याद करते हो। दूसरा है अपमशु जप, जिसमें आप होठों से भगवान का नाम कुछ इस तरीके से लेते हो कि सिर्फ बोलने वाले को यानी आपको सुनाई दे। और तीसरा तरीका है मानसा जप, जिसमें आप बिना जुबान और होठों को हिलाए अपने मन में भगवान का नाम लेते हो। अब इन तीनों ही तरीकों में से मानसा जप अपमशु जप से बढ़कर और अपमशु जप को वाचिका जप से बढ़कर माना जाता है। अब फ्रेंड्स, क्या आपको याद है मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था मक्का सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम में यकीन करने वालों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी एक पवित्र जगह है। और इसकी कहानी कुछ ऐसे है कि मक्का, जहां पर इस्लाम को मानने वाले हज पर जाते हैं, वहां एंशियन वैदिक स्क्रिप्चर हरिहरेश्वर महात्म्या ने ये कहा है कि एकम पादम गायांतु मक्का यांतु द्वितीयाकम तृतीयम स्थापितम दिव्यम मुक्त्याय शुक्लास्य सनिधाउ। याने भगवान विष्णु के पैरों का निशान 3 जगह पे पड़े थे, जिनमें से एक था गया, दूसरा था शुक्ल तीर्थ और तीसरा और आखिरी था मक्का। और हालांकि इस्लाम में जैसा मैंने बताया था आइडल वर्शिपिंग की मनाही है, पर ब्लैक काबा स्टोन को वो पवित्र मानते हैं, जिसे वो हजरे अस्वद कहते हैं। और इसके अलावा भी आप अगर देखोगे, जैसे हिंदुओं में भगवान की प्रदक्षिणा करने का रिवाज है, बिल्कुल उसी तरह काबा में भी पिलग्रिम्स काबा के स्टोन के 4 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। और जिस तरह इस्लाम में हज होता है, उसी तरह हम हिंदुओं में तीर्थ यात्रा होती है। लोग अपने भगवान को देखने के लिए, अपनी तकलीफों को भगवान से बांटने के लिए घर बार छोड़कर 4 धाम की यात्रा से लेकर कई तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। और वहीं पर जहां पर हिंदुओं में दान धर्म का चालन है, वैसे ही इस्लाम में भी ज़कात का चालन है। लेकिन जहां पर हिंदुइज्म में दान को वैदिक पीरियड से दिया जाता है, हिंदू लोग दान को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं, वहीं पर ज़कात, जिसका मतलब टू क्लेंस है, वो अपने धन दौलत को प्यूरिफाई, इंक्रीज और ब्लेस कराने के लिए करते हैं। लेकिन इन अच्छी चीजों के साथ कुछ ऐसी गलत चीजें भी है जो हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों में ही फॉलो होती है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल है पेट्रियार्की, यानी घर से लेकर समाज तक हर जगह सिर्फ आदमियों को ही आगे रखा जाता है। लेकिन समाज का ये दोगलापन हमेशा से नहीं चला आ रहा है। इस्लाम में औरतों को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है और कुरान में माओं को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने की बात भी कही गई है। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम ऐसा पहला धर्म है जो औरतों को समाज में बराबर का दर्जा देता है। इनफैक्ट अगर मुस्लिम फिगर्स में हम खारिजा की बात करें, जो मोहम्मद पैगंबर की पत्नी थी, वो खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और असर्टिव बिजनेस वुमन थी। यानी आज इस्लाम में औरतों को जुम्मा में बोलने ना देने से लेकर इमाम सिर्फ मर्दों को बनाने तक, नमाज पढ़ते वक्त मर्दों के पीछे बैठने से लेकर हर जगह औरतों को मर्दों के पीछे ही बिठाने तक का रिवाज आज के समाज में बनाया गया, जो कुरान की असली बातों की जगह पे अपने फायदे के लिए कुरान में लिखी बातों का मतलब बदल देते हैं। अब आज के जमाने से कंपेयर नहीं कर सकते हो। उस जमाने में फिजिकल स्ट्रेंथ और मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स का ज्यादा रोल होता था, और आज के जमाने में दिमाग का ज्यादा रोल है, सिंपली बिकॉज वी आर सराउंडेड इन अ कॉर्पोरेट कल्चर। सो उस जमाने में इस्लाम वॉज वन ऑफ द रिलीजियंस जो फीमेल्स को लेकर भी लिबरलाइजेशन स्टार्ट करने लगा। और अब अगर हम हिंदुइज्म में पेट्रियार्की की बात करें, तो हिंदुइज्म में भी आपको इस्लाम की तरह हर पंडित आदमी ही दिखाई देंगे, और शायद ही आपको कहीं आदमियों जितनी फीमेल पंडित देखने को मिले।
यही नहीं, समाज में होने वाले सारी ही चीजें आपको मर्द के सहूलियत और औरतों की दिक्कत के पहाड़ के खड़े मिलेंगे। लेकिन कुरान की तरह हिंदुइज्म में भी पेट्रियार्की आज इंसानों ने ज्यादा भरी हुई है, क्योंकि पुराणों के मुताबिक सती और पार्वती ने अपने पतियों को खुद चुना था। महाभारत में लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनके साथ आदर के साथ व्यवहार नहीं किया गया था। और इसी तरह गंगा और सरस्वती ने शादी करने के लिए शर्तें तक रखी थी जो आज की औरतों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा आपको स्वयंवर का कॉन्सेप्ट पता था, जिसमें लड़कियां चुनती थी अपना पति, वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे केपेबल। अब फ्रेंड्स, वंस अगेन हिंदुइज्म में भी आपको काफी सारे एपिसोड्स मिलेंगे जहां पर आपको पेट्रियार्की दिखाई देगी पुराने काल में। बट देन वंस अगेन कम ऑन मैन, ह्यूमंस का डेवलपमेंट ही ऐसे हुआ है कि पहले पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती थी काफी हद तक, और रिलीजियंस ने कई हद तक उसे लिबरलाइज करने की कोशिश की, या फिर उस जमाने के पुराने विचारों में जितना बेस्ट हो सके वो डेवलपमेंट्स लाने की कोशिश की। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो पहले से कम या ज्यादा थे। आज हम जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो आज की सोच के हिसाब से कर रहे हैं, उस समय जो हम डेवलपमेंट कर रहे थे उस समय की सोच के हिसाब से कर रहे थे। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हो तो आप ऑलरेडी जानते हो कि मैं किसी भी रिलीजन में एज इन भगवान की कही हुई बात नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि रिलीजन को इंसानों ने ही बनाया है और इंसानियत की भलाई के लिए, और उसमें कुछ उनके डेवलपमेंट्स ने इंसानों का भला किया और कुछ ने नुकसान भी। बट यार यही तो इंसान होना है, मतलब अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और गलतियां करना छोटा होना नहीं हो जाता है, बल्कि इट इज अ सेंस ऑफ प्राइड कि इंसानियत कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, और वो कोशिश हमें आज दिखाई दे रही है। हम उस जमाने से लेके आज तक कितने एडवांस हो चुके हैं। एंड प्लीज डोंट गिव मी दैट कि उस जमाने में लोग ज्यादा खुश थे, आज लोग ज्यादा दुखी है। Well, उस जमाने में लोग ही कितने थे, आज लोग बिलियंस में हैं और अच्छे खासे लोग खुश हैं अपनी जिंदगी से, ज्यादा सेटिस्फाइड है, उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी है। डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं आज जिससे हम जूझ रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम्स उस जमाने में भी हुआ करती थी। सो लेट्स नॉट डीमोरलाइज आवरसेल्व्स बोल के कि यार हम तो नर्क में आ गए, हालात बद से बदतर हो गई है वगैरह वगैरह। एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस दर्दनाक सिमिलैरिटी के बारे में जो हिंदुइज्म और इस्लाम में पुरातन काल से चली आ रही है, यानी एनिमल सैक्रिफाइस की। तो हिंदुओं में बलि देने का कॉन्सेप्ट पुरातन काल से ही चला आ रहा है, जिसे आज भी भारत के कई बड़े छोटे राज्यों में जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वगैरह में लोग मानते हैं। इसमें पिजन, चिकन, मेल बफलो, गोट एक्सेट्रा की बलि चढ़ा दी जाती है। महाभारत में दर्ज अश्वमेधा एक ऐसी रिचुअल थी जिसमें इंसान घोड़ों की बलि चढ़ाया करता था। वहीं अगर हम बात करें एक इस्लामिक कंट्री जैसे पाकिस्तान की, तो ईद में वहां पर 1 करोड़ जानवरों की बलि चढ़ा दी जाती है। और मुसलमानों में बकरी से लेकर गाय और ऊंट की शुरुआत इब्राहिम यानी इस्लाम के सबसे पहले पैगंबर ने अपने बेटे को कुर्बानी से बचाने के लिए की थी, जिसकी नकल करते हुए आज हर मुसलमान ईद में जानवरों की कुर्बानी देते आ रहा है। और इस बलि के 3 हिस्से होते हैं, जिनमें से पहला सैक्रिफाइस देने वाला परिवार अपने खाने के लिए रखता है, दूसरा फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को देता है, और तीसरा गरीब मुसलमानों को। लेकिन अपना पेट भरने के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए मासूम जानवरों की जान लेना, वायलेंस और एग्रेशन दिखाना आज के तारीख में शायद सही नहीं माना जा सकता, और यहाँ पर शायद दोनों ही धर्म एग्रेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आपने कभी सोचा था कि हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में सिमिलैरिटीज भी हो सकती है अगर आप इसे एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से देखो तो? इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देना। वंस अगेन फ्रेंड्स, मैंने आपको बस एक नजरिया दिया चीजों को देखने का। आई नो अगर दो रिलीजन में सिमिलैरिटीज है तो काफी डिफरेंसेस भी है, लेकिन यार जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं ह्यूमंस, होमो सेपियंस, वो लोग तो एक ही है ना। मतलब सिर्फ दो बिलीव्स की वजह से इंसान इतना अलग कैसे हो जाता है? गाइस, हमें ये बात को समझना चाहिए कि हमारे बिलीव्स में भी अलग हो, लेकिन एट द एंड साइंस के आंखों में हम है तो एक ही प्रजाति के जीव, जिन्हें एक दिन मिलकर इस पृथ्वी को और ह्यूमन स्पीशीज को अर्थ से किसी दूसरे ग्रह में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इज नॉट हियर टू स्टे। जो ये वीडियो थी काफी नॉलेजेबल थी, मतलब हमको पता ही नहीं था जो हिंदू और जो इस्लाम में मतलब इतनी सिमिलरिटी हो सकती है। मतलब कि दोनों डिफरेंस बताए गए, दोनों में सिमिलरिटी भी बताई, डिफरेंस भी बताई, हाँ। और में कैसे क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, काफ़ी डिफरेंस जो आज हमने इस वीडियो देख के जाना है। हाँ, मतलब जो इन्होंने जो सिमिलरिटी कही थी वो मैं एक मतलब हमारे भगवत गीता और जो इस्लाम के जो कुरान होते हैं उनके बेस पर कर रखी है एक तरह से देखा जाए तो, और उनपे जो इन्होंने जो मतलब जो बातें बताई थी मतलब काफ़ी मतलब यूनिक ही, भाई कहीं से भी ले लिया, मतलब उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाई है वो बातें। इसलिए बताऊँ तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ब्यूटीफुल लगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी एंड इंटरेस्टिंग भी लगी। आप मुझे एक बात बताइएगा कि क्या इन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो आपके
देखिए मैं हिंदू हूं तो हिंदू लोगों की जितनी भी बातें बताई हैं मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ, चाहे वो बुराइयां की हूँ चाहे वो अच्छाइयां की हूँ, मैं एकदम एग्री करती हूँ कि इन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो सही बताई हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम या इस्लाम को अगर आप फॉलो करते हैं आपको ज्यादा पता होगा ऑफकोर्स, तो मुझे जरूर बताइएगा कि इन्होंने जो भी बातें बताई हैं क्या आप उससे एग्री करते हैं या फिर कुछ भी इधर उधर है कुछ गलत है, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड मकसद सिर्फ इस वीडियो का यही था कि यार देखो जैसा कि इन्होंने भी लास्ट में कहा रिलीजन कोई भी हो हम तो इंसान ही है ना, तो बस रिलीजन के बेसिस पे हमें कुछ किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। एंड आई रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। वाओ कितनी नॉलेजेबल है यार, मतलब इतनी नॉलेज भरी होती है इनकी वीडियो में। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो मतलब इतना बिल्कुल यकीन नहीं है ऐसे, क्योंकि हम तो अब आए हैं ना धर्म पता नहीं कब से, तो वो तो हमें नहीं पता क्या सच्चाई है क्या झूठ है, बट काफी हद तक इनकी बातें बहुत सी सही थी, काफी हद तक हमें तो ऐसा नहीं लगा। लेडीज को सबसे ज्यादा, इस्लाम में पहला धर्म है जिसको सबसे ज्यादा लेडीज को रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये हमें पता है और ये बहुत ही बेस्ट है क्योंकि ये लिखा हुआ है बाकायदा, और ऐसा हिंदूज में भी है। वो पीछे तो यार देखो जो आज के टाइम में हो रहा है, आज के टाइम में तो बहुत ही इक्वालिटी है बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज में कहीं भी ऐसा नहीं होता। अब गांव में हो रहा है किसी किसी में तो वो हम अंधा वो एकदम नहीं मान सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो हो ही रहा है इस दुनिया में, तो ये सब है। और बाकी जैसा कि इन्होंने कहा है कि मक्का हिंदू के लिए भी बहुत पवित्र जगह है। अमेजिंग वीडियो, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो थी, अच्छा लगा हमें ये वीडियो देखकर। मतलब इतनी गौर से मैंने कभी कोई वीडियो देखी नहीं है, जितने ध्यान से मैंने ये वीडियो सुनी है, क्योंकि हर चीज मैं देखना चाह रही थी कि मतलब क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, और अगर ये कुछ गलत बोल भी दें तो हम उसको करेक्ट कर पाए सच में। मतलब और जो एक बात थी जो कि हम लोगों ने फर्स्ट में आपको बता दी थी कि हजरत इब्राहिम का बोल रहे थे, लेकिन इब्राहिम नहीं एडम थे, आप लोगों को पता ही है कि वैसे भी वो जो है दूसरे मतलब के अंग्रेज जो थे वो भी यही मानते हैं कि एडम थे जो फर्स्ट आए थे और उनकी मतलब बीबी हवा थी, फिर उसके बाद ईव बोलते हैं उनको, और कुरान में भी लिखा हुआ है, मैंने खुद देखा है, इन्होंने इब्राहिम बोला। इब्राहिम तो कितनी देर बाद आए, कितनी देर बाद आए थे, लेकिन सबसे पहले जो इंसान हम मानते हैं इस दुनिया के वो हैं हजरत आदम, और मतलब हम मानते हैं कि उनके बाद ही ये पूरी दुनिया स्टार्ट हुई, उनके बच्चे हुए, फिर उसके बाद ही ये पूरी दुनिया का निजाम चला। हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा ठीक था वीडियो, मतलब उन्होंने ऑब्वियसली उनका जो टॉपिक था जो उनका जो एक सोच थी थिंकिंग थी के दोनों मजहबों में सिमिलैरिटीज़, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड बट उनकी जो नॉलेज थी वो उससे मैं एग्री नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, कुछ कुछ चीज़ों में मतलब यू कैन से 5% चीज़ों में एग्री करूँगा, बट 95% में एग्री नहीं करूँगा बिकॉज एज पर माई नॉलेज, इस वजह से बोल रहा हूँ बाकी कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे उन्होंने फर्स्ट पैगम्बर बोला तो फर्स्ट पैगम्बर वॉज आदम अलैहिस्सलाम, तो फर्स्ट वहीं वो गलत हो गए। दूसरी चीज़ जब ये बोल रहे थे कि जैसे वो बोल रहे थे कि मुस्लिम्स के यहाँ पे पैगंबर आते हैं लोगों को सिखाने के लिए, दैट्स ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बट उसमें जैसे हिंदुइज्म में बताते हैं, जैसे हमने बचपन से देखा है कि भगवान रूप लेके इंसानों में आते थे, बट इन दोनों में सिमिलैरिटी कहीं भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह है जो भगवान है, अल्लाह अरेबिक में गॉड को अल्लाह बोलते हैं, तो अल्लाह का मतलब होता है ऑलमाइटी गॉड इन इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करेंगे, तो ऑलमाइटी गॉड मींस अल्लाह, अल्लाह मींस ओनली वन गॉड, दैट्स इट, ऑलमाइटी गॉड, एंड वो उनकी ही इबादत करते हैं, उनको ही पूछते हैं, एंड कोई भी जो इंसान है, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है ना, अगर कोई कोई भगवान है, कोई गॉड है, कोई ऑलमाइटी गॉड है, उनको मतलब उनको लोगों में आने की क्या ज़रूरत है। ऑफकोर्स यार आप सोचो अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, एक इंसान की बात ले लेते हैं आप, चलो भगवान की तो क्या ही बात कर सकते हैं, उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इतनी तो हमारी हैसियत भी नहीं है तो कि हम उनके बारे में ऐसा सोचें या बोलें। तो आप एक छोटी सी एग्जाम्पल सुन लो, अगर कोई एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है भाई, बिल गेट्स लगा लो, चलो बिल गेट्स नहीं तो फिर अंबानी लगा लो, चलो हमारा इंडियन अंबानी है, ठीक है, अभी वो अंबानी अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री, अंबानी कितनी सारी फैक्ट्री है उसकी, ठीक है, इतनी इतनी सारी फैक्ट्री है उसकी, वो छोटी सी फैक्ट्री में जाएगा वो मतलब लोगों को समझाने के लिए, वो भी एक दो साल के लिए, भाई कैसी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है वो वाली फैक्ट्री उसकी, वहाँ पर वो एक दो साल रहेगा, जाएगा नहीं जाएगा भाई, अपने बेस्ट बंदे को भेजेगा वहाँ पे कि भाई तू जाके देख क्या वहाँ पे, ठीक कर क्या उसको, और कुछ नहीं करेगा, नहीं तो फोड़ देगा उसको, बोलेगा बेच देगा जा भाई और क्या करेगा, खुद थोड़ी जाएगा, उसके पास टाइम है इतना,
तो मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है, ये तो इंसान की बात कर रहा हूँ भाई, अल्लाह गॉड ऑलमाइटी गॉड भगवान उनको धरती पे आने की क्या ज़रूरत है यार। ऑफ कोर्स वो अपने बंदों को भेजेंगे यार आपको समझाने के लिए, इंसानियत को समझाने के लिए। एंड इंसानियत बहुत ज़रूरी है, हमें हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहे वो कोई भी मज़हब है, इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहे वो कोई भी इंसान है। दूसरी बात ये कि हिंदुइज़्म में भी किताबों में जैसे वो महाभारत के लाइक बता रहे थे, बट अगर वो वेदास पढ़ेंगे, अगर आप वेदास पढ़ोगे तो वेदास में ऑफकोर्स लिखा हुआ है कि भगवान एक हैं और उनकी कोई मूर्ति नहीं है, ना उनकी मूर्ति पूजा हराम है, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा वेदास में लिखा हुआ है, हिंदुइज्म के वेदास में। एंड ये हमें भी पता नहीं था, हम भी तो हमें पता चला एक साल पहले। एंड तो ये चीज़ बिल्कुल सही है एंड हमें इस चीज़ की तफ्तीश करनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि वी आर एजुकेटेड पीपल नाउ।